हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात तो आप लोग जानते ही हो कि कल विजय देवरकोंडा की आने वाली मच अवेटेड फिल्म लाइगर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है पैन इंडिया के तहत 5 लैंग्वेजों के माध्यम से, यानी कि तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और उसके साथ हिंदी लैंग्वेज में कल ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगी। तो भैया, इस फिल्म को इन 5 लैंग्वेजों के माध्यम से पहले दिन के लिए कितने का एडवांस बुकिंग मिला है, चलिए मैं आपको बताता हूँ भैया इस फिल्म के पहले दिन के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट के माध्यम से। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एक एक करके हर लैंग्वेज के एडवांस बुकिंग रिपोर्ट को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तेलुगु लैंग्वेज की। तो दोस्तों, इस फिल्म को तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से पहले दिन के लिए जो एडवांस बुकिंग मिला है पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा है 7,35,00,000 रुपीज का। यानी इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के 4,09,742 टिकट बिक चुके हैं अभी तक एडवांस बुकिंग के माध्यम से। उसके बाद इस फिल्म को तमिल लैंग्वेज में जो पहले दिन एडवांस बुकिंग मिल रहा है वो आंकड़ा है 10,00,000 रुपीज़ का ब्लॉक सीट के माध्यम से। यानी कि इस फिल्म के लगभग 7,565 टिकट जो हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। और उसके बाद इस फिल्म को अनब्लॉक सीट के माध्यम से 15,00,000 रुपीज़ का एडवांस बुकिंग पहले दिन के लिए मिलता नजर आ रहा है। उसके बाद इस फिल्म को मलयालम लैंग्वेज में जो अब तक एडवांस बुकिंग मिला है ब्लॉक सीट के माध्यम से, तो भैया वो आंकड़ा है 1,35,000 का। यानी कि मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म के 944 टिकट बिक चुके हैं। और उसके बाद भैया अनब्लॉक सीट के माध्यम से इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि यह फिल्म 5,00,000 रुपए का बिजनेस कर सकती है अनब्लॉक सीट के माध्यम से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया कन्नड़ा लैंग्वेज की, तो भैया कन्नड़ा लैंग्वेज में इस फिल्म को 25,000 का एडवांस बुकिंग पहले दिन के लिए मिल चुका है। यानी भैया कन्नड़ा लैंग्वेज में इस फिल्म के 173 टिकट्स बिक चुके हैं भैया ब्लॉक सीट्स के माध्यम से। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के अनब्लॉक सीट्स की कन्नड़ा लैंग्वेज में, तो भैया वो आंकड़ा है 77,000 का। यानी भैया अनब्लॉक सीट्स के माध्यम से इस फिल्म को पहले दिन 77,000 का एडवांस बुकिंग मिलता नजर आ रहा है। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा लैंग्वेज की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं भैया हिंदी लैंग्वेज की। तो दोस्तों, इस फिल्म को हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से पहले दिन जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है एडवांस बुकिंग के माध्यम से उसको देखने के बाद, तो भैया मैं ये बात इस फिल्म को लेकर जरूर कहना चाहूंगा कि भैया इस फिल्म की हालत खस्ता नजर आ रही ही है हिंदी बेल्ट में। यानी कि भैया सोल्ड टिकट के माध्यम से इस फिल्म को अभी तक जो एडवांस बुकिंग मिला है हिंदी बेल्ट में वो आंकड़ा है 23,00,000 रुपीज। यानी कि भैया हिंदी बेल्ट में अभी तक इस फिल्म के केवल 9,832 टिकट्स बिके हैं मेरे भाई। उसके बाद इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है हिंदी लैंग्वेज के लिए कि भैया अनब्लॉक सीट्स के माध्यम से ये फिल्म कल 42,00,000 रुपीज तक का बिजनेस कर सकती है एडवांस बुकिंग के माध्यम से। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया कि इस फिल्म को पूरे इंडिया से पहले दिन कितने का कलेक्शन मिल सकता है, तो वो आंकड़ा 32-35 करोड़ का है। और इस फिल्म को लेकर यह जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि यह फिल्म हिंदी बेल्ट में कल 2-3 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। और भाई, इसी वजह से मुझे इस फिल्म को देखने के लिए अपने शहर से काफी दूर जाना पड़ रहा मेरे भाई। यानी कि इस फिल्म का क्रेज हिंदी बेल्ट में इतना गिरा हुआ है कि भैया उसकी वजह से मेरे शहर में 2 मल्टीप्लेक्स है मेरे भाई, एक है आईलेक्स, दूसरा है पीजेपी सिनेपोलिस। और भाई, इन दोनों मल्टीप्लेक्स में इस फिल्म को कितने शोज मिले हैं, तो भैया वो केवल एक शो है मेरे भाई, और वो भी शो मिला है पीजेपी सिनेपोलिस को शाम को 6:20 वाला। यानी भैया कल ये फिल्म मेरे शहर में शाम के 6:20 पर रिलीज होगी, और इसी वजह से मुझे इस फिल्म को देखने के लिए अपने घर से 150 किलोमीटर दूर कल जाना पड़ेगा। दोस्तों, कल आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भैया आप लोगों तक किसी फिल्म के रिव्यू को पहुंचाने के लिए टाइम से हम कितनी मेहनत मुशक्कत करते हैं मेरे भाई। यानी भैया ये फिल्म मेरे शहर में केवल एक सिनेमा घर में रिलीज हुई है, और वो शो भी अभी तक हाउसफुल नहीं हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर, मैं बुक माई शो का ये पेज आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि भैया अभी भी मेरे शहर में इस फिल्म के कितने सीट्स खाली पड़े हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया खड़गपुर की, जहाँ पर इस फिल्म को 4 शो मिले हैं हिंदी लैंग्वेज के माध्यम से, तो भैया वहां पर इस फिल्म का जो पहला शो है ना वो 11:25 का है, और वहां पर अभी तक इस फिल्म के केवल 2 टिकट बिके हैं मेरे भाई, केवल 2 टिकट। और मुझे तो इस बात का डर है कि अगर हम लोग कल खड़गपुर पहुंचते हैं और वहां पर कल ऑडियंस नहीं पहुंचती है, तो हो सकता है कि इसका पहला शो कल कैंसिल ना हो जाए मेरे भाई। लेकिन फिर भी हम ये रिस्क लेके कल देखने जा रहे हैं इस फिल्म को भैया खड़गपुर में, और हम उम्मीद करेंगे कि भाई वहां पर ये शो चले। और अगर नहीं भी चलता है, तो आप लोगों को याद ही होगा कि इससे पहले भी एक फिल्म को देखने के लिए मैं और शिवम भैया 5 टिकट खरीदे थे मेरे भाई खड़गपुर में जाकर। और वो फिल्म कौन सी थी, तो भाई वो अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी ना झुंड, वो फिल्म थी भाई।
वहां पर एक भी ऑडियंस उस फिल्म को देखने के लिए नहीं पहुंची थी। और भाई हमारी मजबूरी ये थी कि भी अगर शो नहीं चलेगा तो हमें खाली हाथ तो वहां से वापस आना पड़ेगा, और इसी वजह से हम लोगों ने वहां जाकर उस फिल्म के 5 टिकट खरीदे ताकि वो शो वहां चल पाए। तो भाई अब कल ये बात हम लोगों को पता चलेगी वहाँ पर जाकर कि भैया कल ये शो चलेगा या नहीं चलेगा। और हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि भैया कम से कम 4-5 ऑडियंस कल पहुँच जाए उस फिल्म को देखने के लिए वहाँ पर, ताकि हम वहाँ पहुँच कर इस फिल्म को देख सकें। तो दोस्तों हिंदी बेल्ट में इस फिल्म का क्रेज़ बहुत ही गिरा हुआ, और भाई ऐसा इस फिल्म के साथ क्यों हुआ है तो उसका कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि भाई विजय देवरकोंडा ने भी वही गलती कर दी जो आमिर खान ने की, जो करीना कपूर खान ने की, जो अभी हाल फिलहाल में आलिया भट्ट ने की है। यानी कि भैया आपको अगर मेरी फिल्म को देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो। और भाई इस वक्त तो ऐसे ही भैया जो हिंदी बेल्ट के ऑडियंस है वो हर एक बात को अपने दिल से लगा रहे हैं, और भैया ये कह रहे हैं कि भैया अगर आपकी मनोदशा यही है, आपकी इच्छा यही है, तो भैया चलो हम आपकी इच्छा की पूर्ति करते हैं, आपकी फिल्म को हम देखने के लिए नहीं आते हैं। और इसी वजह से इस फिल्म को हिंदी बेल्ट से अभी तक अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है, और वैसे भी इस फिल्म को हिंदी बेल्ट में बहुत ही कम शो मिले हैं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।